सो गाइस, क्या आपका भी व्हाट्सअप बैन हो गया है? और उसके बाद जब आप फॉर्म फिलिप करने के लिए जाते हैं व्हाट्सअप के अंदर, तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिप नहीं होता है और आपको समथिंग वेंट रॉन्ग का जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने एक लिंक भी आप लोगों को दिया था कि आप इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना फॉर्म फिलिप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे और ये प्रॉब्लम आपको ठीक करने का अच्छा से अच्छा सोल्यूशन बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम मिलती है समथिंग वेंट रॉन्ग की, और यहाँ पर आपको ये करना क्या है, और आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को देखने मिली, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी आपको यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, देखिए डाउनलोड वाली, लॉग इन करने के लिए आसिफल, ठीक है, और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम, और क्रोम एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको अपडेट करके रखना है। नंबर वन हो गया आपका ये काम, ठीक है। दूसरा जो काम क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर टू आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्च करना है आपको व्हाट्सअप, और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन, सॉरी व्हाट्सअप, व्हाट्सअप एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है और एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेना है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक लास्ट तरीका बचता है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। मोबाइल की सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एडिशन सेट, सॉरी एप्स में आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए और भी ऑप्शन दिखाई देंगी, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा ऐप मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो आपका ब्राउज़र है वो मिल जाएगा, क्रोम का ब्राउज़र होगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्टोरेज में आइएगा, और स्टोरेज में आने के बाद एक बार क्लियर डाटा कर दीजिएगा। जैसे आप क्लियर डाटा करते हैं, आपको यहाँ पर दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन करना है, और आपको यहाँ पर देखना है जो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर सर्च बार में चलते हैं, और यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस फॉर्म को भरेंगे, अपना नंबर, ईमेल आईडी, अपना डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपना मैसेज लिखेंगे। मैसेज लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप ये इसे फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आप 24 से 48 घंटे इंतजार करेंगे, अपने नॉर्मल व्हाट्सएप में लॉगिन करने के लिए ट्राई करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत हाल में ठीक किया, बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन भी बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो आपको ये जो मैंने तरीका बताया इसको फॉलो करिए, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।